बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू जिंजर्स फॉर यूट्यूब चैनल। इंजर्ड आ चुका है यहाँ पर माफिया मांगने, और एमडी वसीम खान ने जैसे कि इस्तीफा दिया। आगे पीसीबी में कौन कौन आने वाला है? आकिब जावेद आने वाले हैं, मोइन खान आने वाले हैं, कौन कौन आने वाला है पीसीबी में, उसके ऊपर बात करेंगे आपके साथ। तीन चीज़ें इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को तक लास्ट में देखिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। और लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ इंग्लैंड यानी कि ईसीबी यहाँ पर माफिया मांगने के ऊपर उतरा है, और ईसीबी के जो चेयरमैन है उन्होंने अपॉलजी की है पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान से, कि भाई उन्होंने कहा कि हमने अपनी एजम्पशन कर ली थी कि प्लेयर्स मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, वो मेंटली फटीक हो जाएंगे, उनको डिप्रेशन हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी। ईसीबी के चेयरमैन का कह रहा था कि हमने खुद ही एजम्पशन कर ली थी, प्लेयर से तो हमने नहीं पूछा था, हमारा अंदाजा था कि ऐसे हो जाएगा, इसलिए हमने ये टूर कैंसिल किया। भाई क्यों आपने ना उनसे पूछा? आप एजम्पशन पर इतनी बड़ी सीरीज कैंसिल करते हो, आपको पता है इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एजम्पशन के ऊपर आके आपने सीरीज कैंसिल कर दी, ग्रेट। और अब आप अपॉलॉजी कर रहे हो, अपॉलॉजी करनी है, आप पाकिस्तान खेलो ना, अभी इतना टाइम पर है भाई, 14 दिन पर है, 14 दिन में आप आओगे भाई हम आ रहे हैं पाकिस्तान खेलने, आई एम रियली सॉरी, अभी आएंगे पाकिस्तान खेलने। नहीं किया ना आपने ऐसा, कैंसिल कर दिया ना आपने टूर, बात खत्म। तो सीधी बात है, उन्होंने कहा कि अगले साल आ रहे हो तीन टेस्ट खेलने, वो तो आने ही है ना, बाप ने आया, नहीं तो आपकी WTC के पॉइंट जाएंगे, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीन टेस्ट खेलने आ रहे हैं, 5 ODIs भी खेलेंगे और शायद 2 T20s को भी अंदर ही ट्रांसफर कर दिया जाए। लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता है। नाउ कमिंग ऑन टू एमडी वसीम खान, यानी कि पीसीबी के जो CEO है वसीम खान, उन्होंने आज सुबह रिजाइन दिया, और उनका रिजाइन जो है ना पीसीबी ने, और पीसीबी के जो आप कहते हैं ना जी सामने जो है ना, ये इसको एक्सेप्ट कर लिया, और उस रिजाइन को उन्होंने मंजूर कर लिया, और अब एमडी वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जिस पोस्ट पे थे, जो के थे वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे थे, फैम नॉट रॉन्ग, उनको अब निकाल दिया गया। और अगला जो बंदा निकाला जाना है वो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, जाकिर खान जो कि डायरेक्टर क्रिकेट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अगले आपको भी साइड लाइन होते हुए नजर आ सकते हैं पीसीबी से। और अब जो दो नए लोग आएंगे पीसीबी के अंदर, एक आपको शायद अभी कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो दे रहा हूँ आपको, मोइन खान और आकिब जावेद को पीसीबी के अंदर नौकरी मिल सकती है, और बड़ी पोस्ट के ऊपर मिल सकती है। जाकिर खान के अलावा काफ़ी लोगों से उनके बारे में सुना है, तो आई थिंक अच्छा ही होगा, बट आकिब जावेद और मोइन खान का आना उनके काम पर डिपेंड करता है यार, उनका क्रिकेट का नॉलेज है नो डाउट, लेट्स सी क्या करते हैं। बट रमीज राजा इटसेल्फ अभी पाकिस्तान क्रिकेट को अगर मैं सही मानों में कहूँ तो नीचे जा रही है भाई, PSL की फ्रेंचाइजी से लड़ाई ली, वो तो बिल्कुल ठीक किया इनफैक्ट, बल्कि बट ऑक्शन को लाना मतलब नॉट अंडरस्टैंडेबल यार, पहली फ्रेंचाइजेज लॉस नहीं है, आप चाहते क्या हो? आप अपनी मनमानी कर पा रहे हो, दूसरे का आप ख्याल नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट को पिछली बार भी आप आए थे किसी और पोस्ट पर, तब भी यही किया था आपने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, तो यू हैव टू गो विद एवरीवन, और मतलब सारों को लेकर के जाना है आपने अपने साथ, अकेले डिसीजन नहीं ले सकते आप, सीधी बात है। नाउ सी कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो कि हमारे पास आती है फ्रॉम जो हमारा सुहेब मकसूद है, ही इज़ बैक इन द फॉर्म, और सुहेब मकसूद ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है यहाँ पर, ग्रेट बैटिंग फ्रॉम सुहेब मकसूद इज इनकन्सिस्टेंट, पाकिस्तान के पेस चल जाते हैं, मतलब इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक सुहेब मकसूद की टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो शोर है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसपे आप कहेंगे सुहेब मकसूद इज़ अ रिलायबल नंबर 3 प्लेयर। लेट्स सी आगे होता है या नहीं होता, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर नो डाउट, बट he is to perform with consistency is the main issue, and let's see his possible he will be able to do that or not, it's going to be interesting। फिर जो एम डी वसीम खान की अंदरूनी कहानी अगर आप इसको कहते हैं ना, क्या है इस्तीफे देने की, तो वो कहानी कुछ ऐसी है कि एम डी वसीम खान ने अपनी जो होती है ना पावर को कम होने की वजह से इस्तीफा दिया, बिल्कुल ठीक किया यार मतलब, और उनको मतलब प्रेशर में लेके जाया जा रहा था कि उनको वैसे निकाल दिया जाना था, तो उन्होंने कहा भाई मैं खुद ही इस्तीफा दे देता हूँ, आप तो मुझे नहीं निकालो। आई होप आपको वीडियो आएगी, बस वीडियो आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।